नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र करपे है। कॉटन गुरु में प्रोजेक्ट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ घाटन जी में। यहाँ पे 477 किसानों के साथ हमारा ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट चल रहा है करीब 2500 एकड़ पे, जिसका ये आज तीसरा साल है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक टेस्टिंग करना होगा तो ऑप्शंस बहुत कम है टेस्टिंग लैब के। टेस्टिंग लैब या तो मुंबई में है या फिर अहमदाबाद में है। यहाँ लोकल टेस्टिंग लैब अगर हो तो वो किसानों के लिए ज़्यादा फायदेशीर हो, यानी ज़्यादा फायदेशीर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसान फिर इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है पर कोई संस्था सपोर्ट में नहीं है, तो कोई बायर सपोर्ट इन्हें मिल जाए, इनपुट के लिए कोई अच्छी कंपनी साथ में जुड़ जाए, तो यहाँ का किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए जुड़ने के लिए उत्सुक है। और तीसरा मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि यहाँ अगर हो तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ेगा, वो है कि यहाँ पे हम लोग कपास का जब अवशेष जो बचता है वो जलाने को मना करते हैं ऑर्गेनिक खेती में, तो उसका लास्ट ईयर हमने बायोचार बनाया था, बायो कंपोस्ट बनाया था, पर इससे पिलेट और बिकेट्स का भी एक अच्छा बायोमास और बायोफ्यूल का ऑप्शन है। तो उसका अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है तो किसानों के लिए वो एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाएगा। तो ये तीन चीज़ें अगर यहाँ होती है, एक ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब लोकल में ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैब हो, दूसरा बायर का और इनपुट का सपोर्ट यहाँ पे मिले ऑर्गेनिक के, नॉन जीएमओ सीड, नॉन जीएमओ फर्टिलाइज़र वगैरह, और तीसरा कि बायो पिलेट्स और ब्रिकेट्स का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चले, जिससे बायोफ्यूल और बायोमास का यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए तो एडिशनल इनकम की तरफ भी किसान होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ सकेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर विचार किया जाए कि यहाँ पे किस तरह से लाया जा सके जिसका फ़ायदा फिर किसानों को मिल सके। यानी धन्यवाद। कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।